हेलो गाइस, मैं संदीप शर्मा, क्वांट और रीजनिंग का टीचर आपका फिर से स्वागत करता हूँ एनटीएस रुद्राक्ष क्लासेस में। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्केयर का शॉर्टकट कैसे निकालना है, तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्केयर रूट और सेकेंड है हमारा क्यूब रूट। ठीक है, इन दो चीज़ों के हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे आज कि स्केयर रूट हमको कैसे फाइंड करना है और क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, क्यूब रूट बहुत इजी है कि एक बार मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़नी है, थोड़ा सा हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ना है स्केयर रूट पे। ठीक है, और एग्जाम में ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें भी हैं ये स्केयर रूट और क्यूब रूट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट स्केयर रूट से। चलो हम सीखेंगे आज कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम जो भी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे वो कैलकुलेशन के, वो ऐसे सीखेंगे जिससे कि हमको पेन यूज ना करना पड़े, जो भी कैलकुलेशन है वो हम अपनी माइंड में ही करके सीधा डायरेक्ट उसका आंसर लिखें। ठीक है, जैसे स्क्वायर के मैंने बताया था बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन हम ऐसा मेथड फॉलो नहीं करेंगे जिसमें मेरे को पेन यूज करना पड़े। सेम इसमें भी हम ऐसा मेथड ही यूज करेंगे जिससे मेरे को पेन सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के लिए मैंने सबसे पहले यही चीज आपको बोली थी कि आपको 1 से लेके 25 तक स्क्वायर ये याद रखने हैं, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक, कि अगर मैं आपसे पूछूं 21 का स्क्वायर तो आपके टिप्स पे होना चाहिए 21 स्क्वायर 441। ठीक है, अब 25 तक आप याद करोगे तभी उसके बाद फायदा है, और 25 तक याद करने का मतलब आप 250 तक स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, जितना दूर तक याद करोगे उतना दूर तक आप निकाल पाओगे। ठीक है, सारी गेम आपके माइंड के ऊपर है कि आप कितनी चीजें अपने माइंड के अंदर रखते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए 25 तक याद करने, लेकिन 1 तक याद रखना मैंडेटरी है, बिना सॉरी 1 से लेके 10 तक याद रखना मैंडेटरी है। इसके बिना हम ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 से लेके 10 तक। ठीक है, और लास्ट 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गए मेरे 1 से लेके 10 तक स्क्वायर। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। तो पहला नंबर लेता हूँ मैं 4096, मेरे को फाइंड करना है ये किसका स्क्वायर है। क्लियर है, स्क्वायर रूट का साइन आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट का साइन है, अगर इसके बीच में कुछ नहीं तो स्क्वायर रूट, अगर इसके बीच में 3 लिख दूं तो ये बन जाता है क्यूब रूट। ठीक है, तो मेरे को स्क्वायर रूट पता करना है। तो दो स्टेप है इसके, बड़े सिंपल से स्टेप है। पहला स्टेप कि जो भी नंबर आपको दिया होगा आपने देखना है उसका लास्ट डिजिट क्या है, तो लास्ट डिजिट है इस नंबर का 6। क्लियर है पहला स्टेप कि आपको देखना है लास्ट डिजिट क्या है 6। अब 6 आपका लास्ट डिजिट है, अब आपको सोचना है कि 1 से लेके 10 तक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और उसके लास्ट में मेरे को 6 मिले। फिर से रिपीट करता हूं कि अब आपको सोचना है 1 से लेके 10 तक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और मेरे को लास्ट में उसके मिले 6। ठीक, अब यहाँ पे आप चेक करो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में को 6 मिलेगा, ये रहा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, थोड़ा और आगे चलता हूँ तो 6 के स्क्वायर में मेरे को मिलता है 6। ठीक, क्लियर है। तो पहली चीज ये रही कि आपको ये याद करना है कि 1 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, 4 किसके स्क्वायर के एंड में आता है। तो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, आप भी लिख लेना कि 1 जो है वो मेरे को मिलता है 1 के स्क्वायर के लास्ट में और 9 के स्क्वायर के लास्ट में। ठीक है, क्लियर है। 4 जो मेरे को मिलता है 2 के स्क्वायर के लास्ट में और 8 के स्क्वायर के लास्ट में। ऐसे ही 9 मेरे को मिलेगा 3 के स्क्वायर के लास्ट में और 7 के स्क्वायर के लास्ट में। नेक्स्ट है 6, ये मिलेगा 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर। और लास्ट बचा 5, ये मेरे को 5 के स्क्वायर में ही मिलेगा। ठीक है, एक ही नंबर है। ओके, तो ये आपको पहले माइंड में बिठाना है, 1 मिलेगा मेरे को 1 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, 4 मिलेगा मेरे को 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 6 मिलेगा मेरे को 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, और 9 मिलेगा मेरे को 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर में। क्लियर है। जैसे ही मैंने अपना नंबर देखा, मेरे माइंड में आया लास्ट में 6 है, तो ये तो मेरे को 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में मिलने वाला है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को हमेशा लास्ट से 2 नंबर छोड़ देने हैं, लास्ट 2 नंबर
लेफ्ट, मेरे को लास्ट दो नंबर छोड़ देने हैं और मैं देखूंगा मेरे पास नंबर बचा क्या है कि रिमेनिंग नंबर अब क्या रह गया है। अब इसमें से मैं अगर लास्ट दो छोड़ दूं मेरे पास क्या बचा, 40। क्लियर यहां तक कि लास्ट दो छोड़ने के बाद जो भी नंबर मेरे पास बचेगा 40, अब मैं ये देखूंगा ये नंबर किस नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट आता है, मींस ये 40 जो है किस नंबर के स्क्वायर के पास में आएगा। तो सोचो किसके पास आएगा 40, तो 40 अगर मैं चेक करूं मेरे को किसके स्क्वायर के पास में मिलेगा, 6 के 36, 36 के पास मिलेगा मेरे को 40। आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि 49 भी तो हो सकता है, लेकिन 49 नहीं है क्योंकि 36 और 40 में कितने का गैप है, 4, और 40 और 49 में कितना गैप है, 9। तो नियरेस्ट किसका हुआ जिसके बीच गैप कम है, 36। क्लियर कि आपने दो छोड़ के चेक करना है किसके स्केयर के पास आता है। तो 6 के स्केयर के पास में आया, 6 के स्केयर के पास में आने का मतलब है आपका जो आंसर है वो 60 के नियर है। अब आपके माइंड में ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये 60 के स्केयर के पास कैसे हुआ। ठीक है, अब मैंने 6 के स्केयर के पास देखा, ये जीरो मैंने कहां से लगाई है क्योंकि मैंने लास्ट में दो नंबर छोड़े हुए हैं और एक जीरो का स्केयर करूं तो मेरे को क्या मिलता है, दो जीरो मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इस दो का मैंने एक जीरो लगाई है। अभी मेरा आंसर नहीं मिला है मेरे को, मैंने बस इतना पता किया ये जो नंबर का स्केयर है किसके पास में आएगा, 60 के पास में आएगा। अब मैं अप्लाई करूंगा ये लास्ट वाला जो 6 है ये कहां पे मिलेगा मेरे को, या तो 4 के स्केयर में या फिर 6 के स्केयर में। तो 60 के पास तो मैं पहुंच गया हूं कि 60 का होता है 3600, लेकिन मेरे को ढूंढना है 4000। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 36 से ज्यादा, मतलब 60 से ज्यादा होगा। अब 60 से ज्यादा ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसके एंड में 6 मिलेगा, तो एक होगा 64 और एक होगा 66। क्लियर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्क्वायर रूट थोड़ा सा समझना मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप इस मेथड को अच्छे से समझ लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप हर स्क्वायर रूट ऑरली निकालोगे, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कुछ ऐसे मेथड हो जो आपको देखने में इजी लगे, लेकिन उस मेथड का फायदा कोई नहीं है जिसमें आपको पेन का यूज करना पड़े। मेरे को 4096 का स्क्वायर मेरे माइंड में चाहिए, लिखने से नहीं चाहिए। क्लियर, ओके, फिर से रिपीट करता हूँ मैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैं दो नंबर छोड़ूंगा, दो नंबर छोड़ने के बाद मैं चेक करूंगा 40 किसके पास में आता है, तो किसके पास में आया मेरा 40, 60 के पास। उसी टाइम मैं ये चेक कर लूंगा मेरा आंसर 60 से ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला है। तो 60 का 36 और ये है 40, तो इसका मतलब मेरा आंसर ज्यादा होगा 60 से। और लास्ट में हमें को क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो इसका मतलब या तो 64 बनेगा जिसके एंड में 6 आएगा या 66 बनेगा। ठीक, अब इन दोनों में से मेरा आंसर कौन सा है, तो मेरा आंसर है 64, 66 को मैं कर दूंगा रिजेक्ट। अब क्यों रिजेक्ट किया है, जैसा कि मैंने बोला मेरा नंबर किसके पास होना चाहिए, 60 के पास, तो 60 के पास कौन सा है, 64 है, 66 नहीं है। ठीक है, क्योंकि 66 आपका 70 के पास चला जाता है, 60 के पास नहीं रहता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 64। क्लियर है, हल्का सा माइंड में थोड़ा सा डाउट रहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इस मेथड की आप प्रैक्टिस करो, बड़ा आसान लगेगा उसके बाद, एक बार अगर ये आपके माइंड में बैठ गया। क्लियर, मैं अगली एग्जांपल लेता हूँ, फिर से साथ में सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझेंगे कि कैसे कर रहे हैं इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो स्क्वायर रूट की वो है मेरी 5476। क्या करूंगा, सबसे पहले आप लास्ट में दो नंबर छोड़ दो। ठीक, लास्ट में अगर मैं दो नंबर छोड़ दूं मेरे पास बचा मेरा नंबर क्या, 54। अब क्या चेक करना है मेरे को, 54 किस नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट आता है, किसके पास में मेरे को 54 मिलेगा। सोचो किसके पास 54 मिलेगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, नहीं 64 तो दूर चला गया, 49, तो इसका मतलब मेरा आंसर 7 स्क्वायर मतलब 70 के पास है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज अब आपको सोचना है 70, तो 70 से ज्यादा या 70 से कम, तो 70 का होता है 49, मैं किसका ढूंढ रहा हूँ, 54, इसका मतलब आंसर तो मेरा 70 से ऊपर ही जाना चाहिए,
तो 70 से ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो मेरे को लास्ट में 6 देगा? एक बनेगा 74 और एक बनेगा 76, लेकिन मेरे को चूज किसको करना है जो 70 के पास है, तो 70 के पास कौन सा है? 74, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, मेरे को मिल जाएगा 74। ठीक, अब ऑरली कैसे प्रैक्टिस करनी है? तो सीधा मैं माइंड में सोचूंगा, दो छोड़ दिए, 7 के इसके पास पहुंच गया, 70 आगे मेरे को चाहिए 6, तो 74। अगर मेरे को 70 से कम चाहिए हो, 70 से कम, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं 70 से कम। मान लो अब कोई नंबर है, नंबर ले लेते हैं यहां पे 4356, ये नंबर हो गया। ठीक है, फिर से लास्ट टू छोड़े 43, मैं सोचूंगा किसके पास आता है, तो 43 मेरा किसके पास आएगा? सेम 7 के स्क्वायर। माइंड में डाउट आएगा 6 का स्क्वायर भी हो सकता है, तो सोच लो थोड़ा सा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 36 और 43 में 7 का गैप, 49 और 43 में 6 का गैप, तो कम गैप किसमें है? 49 और 43 में, तो इसलिए मेरा आंसर किसके नियरेस्ट होगा? 70 के। ओके, क्लियर है? अब 70, तो 70 का 49 होता है और ये कितना है? 43, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा? कम होगा, पीछे होगा। अब 70 से पीछे कौन सा नंबर ऐसा होगा जो मेरे को लास्ट में 6 देगा? 70 से पीछे, तो 70 से पीछे आएगा 66 और आएगा 64, लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए? 70 के पास में चाहिए, तो 70 के पास कौन सा हो जाएगा मेरा? 66, तो ये मेरा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो आंसर मेरा निकल के आएगा 66। ठीक है, क्लियर है? मैं बाकी मेथड में नहीं जाऊंगा, मैं वही मेथड आपको कराऊंगा जो आपको काम आने वाला है, वो मेथड नहीं कराऊंगा जो देखने में अच्छा लगे लेकिन काम ना आए मेरे। ठीक, ओके, चलो अब अगली एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा सोचना, ऑरली सोचेंगे या मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको ऑरली निकाल सकते हैं। तो नंबर लेते हैं हम अगला, अगला नंबर है मेरा 4489, ये मेरा नंबर है। ठीक है, सोचो माइंड में, लास्ट टू को छोड़ दो, बचा क्या? 44, किसके पास आएगा 44? तो 44 मेरा होगा 49 के पास, तो इसका मतलब हो गया 70 के पास, 70 का होगा 49, मैं ढूंढ रहा हूं 44, इसका मतलब 70 से तो पीछे आना पड़ेगा। अब 70 से पीछे आना है लेकिन एंड में क्या लेके आना है? 9, तो किसके एंड में 9 मिलेगा मेरे को? 3 और 7, मतलब 70 के पीछे या तो बनेगा मेरा 67 या तो बनेगा मेरा 63। अब बताओ कौन सा चूज करूंगा इन दोनों में से मैं? हाँ, 70 के नियरेस्ट वाला, मीन 67, तो ये 70 के नियरेस्ट नहीं है, नियरेस्ट 67 है, तो आंसर मेरा होगा 67। तो ये मेथड है, एक दो क्वेश्चन निकालोगे अपने आप ये माइंड में बैठ जाएगा और इतना इजी लगेगा उसके बाद आपको, आपको लगेगा स्क्वायर रूट तो बहुत सेकंड्स की बात है, 2 या 3 सेकंड में मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ और वो भी बिना पेन यूज किए। क्लियर, एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फिर से ट्राई करते हैं उसको। तो अगली एग्जाम्पल है मेरी 7921। सोचो, जल्दी सोचो कि लास्ट में दो छोड़ दिए मैंने, 79 किसके स्क्वायर के पास है? 9 स्क्वायर 81, 9 के पास, तो 9 का हो गया 90, 99 का हो गया 81, मैं ढूंढ रहा हूँ 79, इसका मतलब मेरा आंसर 90 से नीचे नीचे है, तो 90 से नीचे कौन सा नंबर मिलेगा जिसके एंड में 1 आएगा? तो वो नंबर मेरा है या तो 9 में 1 आएगा या 1 में 1 आएगा, तो 90 से नीचे पास में कौन सा आएगा? 89, और एक 81 होगा, वो मैं चूज करूंगा नहीं क्योंकि मेरे को 90 के पास ही रखना है, तो 89 का स्क्वायर है 7921, 81 के पास है 79, मतलब 90, तो 90 का 81, ये है 79, ऐसा 90 से नीचे आना है और एंड में 1 लेके आना है, और 1 किस में मिलेगा मेरे को? 89 में मिलेगा, 81 में हो सकता है 1 लेकिन वो 80 के पास पहुंच जाएगा, मेरे को 90 के पास मेरा आंसर रखना है। क्लियर, ठीक है, थोड़ा एक बड़ा नंबर लेते हैं इससे थोड़ा सा, ये था 4 डिजिट, अब एक 5 डिजिट का लेते हैं, तो नंबर है 5 डिजिट का 3 7249।
37249। अब इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है मेरे को, क्या होगा? सेम मेथड, लास्ट टू छोड़ दूंगा मैं, 49 को छोड़ दिया, बचा मेरे पास 372। तो 372 किसके स्क्वायर के पास है? हाँ, 372। ये तभी आप सोच सकते हो अगर आपने 25 तक याद किए हुए हैं। तो 372, 21 का स्क्वायर 441, नहीं मेरे को पीछे आना है। 20 का स्क्वायर 400, और थोड़ा पीछे आता हूँ। 19 का स्क्वायर 361, हाँ इसके पास में 361, इसका मतलब 19 के स्क्वायर के नियरेस्ट, 19 का मतलब 190। समझ रहे हो ना मैंने जीरो क्यों लगाई है? क्योंकि ये मैंने लास्ट टू डिजिट छोड़े हुए थे, उन लास्ट टू की मैंने एक जीरो लगाई हुई है यहाँ पे। क्लियर? अब 19 का मैंने अभी बोला 361 और ये कितना है 372। इसका मतलब मेरे को क्या करना है? ऊपर जाना है इसे। अब थोड़ा सा इसे ऊपर जाता हूँ, लास्ट में क्या लेके आना है मेरे को? 9। तो मेरे को 9 मिलेगा 193 या फिर 197। मेरे को तो उसके पास में ही रखना है मेरा आंसर, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? 193 और 197 मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो 200 के पास चला गया है। क्लियर है? ठीक है, 372 का मेरे को ढूंढना था, तभी ढूंढ पाओगे 25 तक याद करोगे तो। 25 तक जरूर याद करो, उसके बिना ये शॉर्टकट का कोई भी फायदा नहीं है। 25 तक याद करना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। ओके, एक लास्ट नंबर, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्यूब रूट के ऊपर। ओके, तो लास्ट नंबर है मेरा 61504। जल्दी से सोचते हैं। लास्ट में 4, 2 छोड़ दिए मैंने, 615 किसके पास हो सकता है? 615, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, हाँ 625 के पास लग रहा है। तो 25 का स्क्वायर मींस 250 के पास, 625, मैं ढूंढ रहा हूँ 615, मतलब मेरे को पीछे आना है 250 से पीछे, और एंड में क्या लेके आना है मेरे को? 4 लेके आना है। 4 कहाँ मिलता है मेरे को? 8 में मिलता है और 2 में मिलता है। अगर तो मैं इसके पीछे 2 वाला बनाऊंगा, बड़ी पीछे चला जाऊंगा, मेरे को चाहिए फिर 248। तो ये है मेरा आंसर 248। ठीक है, ऑर्ली निकलेगा, गारंटी है इसकी, कोई भी पेन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बस 25 तक याद कर लो। और ये चीज़ें माइंड में रखो कि 1 किसके एंड में आएगा, 4 किसके एंड में आएगा, 9 किस में आएगा और आपका 6 किसके एंड में आएगा। इन चीज़ों को बस थोड़ा माइंड में रखो आप। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये था स्क्वायर रूट। कुछ भी डाउट है तो आप मेरी वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हो कि मैंने कैसे समझाया है स्क्वायर रूट को। एक दो बार देखो उस वीडियो को, प्रैक्टिस करो, अपने आप माइंड में बैठेगा, और माइंड में बैठ जाएगा तो बाकी सारे मेथड आपको इसके आगे फेल लगेंगे, ये मेथड आपको बेस्ट लगेगा। ठीक है, अब अगला मेथड है हमारा क्यूब रूट निकालने का। क्यूब रूट बहुत ईजी है, मैं एक बार में समझाऊंगा तो आपको फर्स्ट टाइम ही समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वो भी बताता हूँ कन्फ्यूज़न क्यों नहीं है। ठीक है, सर, क्यूब रूट, अब क्यूब रूट निकालना है मेरे को। तो क्यूब रूट मान लो नंबर लेता हूँ मैं 262144, तो क्यूब रूट का साइन मैंने बताया, बीच में 3 लिखा होगा तो वो हो जाता है मेरा क्यूब रूट। क्लियर है? सेम 1 से लेके 10 तक क्यूब याद करने ही पड़ेंगे, मैंने आपको 15 तक याद रखने को बोला हुआ है। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। क्लियर है? ओके, सेम मेथड है। सबसे पहले मैं देखूंगा इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4। ठीक है, अब क्यूब रूट मैंने बोला था बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं है इसमें। क्यों कंफ्यूजन नहीं है? क्योंकि आप चेक कर लो, 4 जो है वो आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा, हर नंबर एक ही बार है, 1 भी सिर्फ एक बार है, 8 भी एक ही बार है, 7 भी एक बार है, तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं है मेरे को कोई भी। ठीक है, मैं सीधा देखूंगा 4 किसके एंड में मिलेगा, 4 के एंड में 4 मिलेगा, तो मैंने लिख लिया 4। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लास्ट में 3 डिजिट छोड़ दूंगा। ठीक है, स्क्वायर मतलब होता है 2, तो लास्ट से 2 छोड़ूंगा। क्यूब मतलब होता है 3, तो लास्ट से 3 छोड़ूंगा। ओके, लास्ट से 3 छोड़ दिए, अब मेरे पास क्या बचा है? 262। अब मैं ये सोचूंगा 262 किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में आएगा। ठीक है,
जी हाँ, तो अब आपको सोचना है कि ये 262 जो है किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आने वाला है। आप चेक करो 262 मेरे को कहाँ मिलने वाला है। 262, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, यहाँ मेरे को 6 और 7 के बीच में मिलेगा। जिसके बीच में ये आएगा आपने उसका स्मॉलर डिजिट ही लिखना है। ऑलवेज यूज स्मॉलर डिजिट, कि 6 और 7 में से स्मॉलर कौन सा है, 6, और यहाँ पे लिखूंगा 6, मेरा आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, क्यूब रूट के लिए आपको सबसे पहले देखना है लास्ट डिजिट 4, किस नंबर के क्यूब के लास्ट में मेरे को 4 मिलेगा, 4 के क्यूब में लास्ट में ही मेरे को 4 मिलेगा। फिर मैं लास्ट 3 डिजिट छोड़ दूंगा और बचेगा जो मेरे पास 262, देखूंगा किसके बीच में आता है। 262 मेरा आने वाला है 6 के क्यूब और 7 के क्यूब, जिसके बीच में आएगा उसका मैं छोटा डिजिट ही लिखूंगा इसके साथ में 6, तो 64। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन होती है, जैसे मैंने आपको ये कराया है एंड में 4 का मैंने 4 लिखा, मैंने ये वाला 4 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है ये 4 किसके क्यूब के लास्ट में आता है। मतलब अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, मैं देखता 3 किसके क्यूब के एंड में आता है, तो वो 7 के क्यूब में आता है, तो यहाँ 7 लिखता है, मैं 3 नहीं लिखता। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, क्यूब रूट की। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 912673, हमें को ढूंढना है इसका क्यूब 912673। तो वही चीज, लास्ट में 3 किसके क्यूब के लेंथ में 3 आता है, यहाँ 7 के क्यूब, तो मैं 7 लिख लूंगा, लास्ट में मैं 3 छोड़ दूंगा और मेरे पास बचेंगे 912। क्या देखने वाला हूँ मैं, हाँ 912 किसके बीच में आता है, तो 912 ये रहा 729 और 1000 के बीच में। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ इन दोनों में से, स्मॉलर डिजिट, तो 9 और 10 में से स्मॉलर कौन सा है, 9, जी हाँ, तो ये है मेरा 97 का क्यूब 912673। क्लियर है, ओके, लास्ट एग्जांपल। और तो अगली एग्जांपल है 298 5984, हमें को ढूंढना है इसका क्यूब 298 5984। तो फिर से क्या, लास्ट में 4 किसके एंड में आता है, 4 के क्यूब के एंड में आता है, तो मेरा नंबर हो गया 4। फिर लास्ट में छोड़ने वाला हूँ 3, तो 3 छोड़ूंगा, अब चेक करूंगा 2984 2984 85, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब ये कहाँ आएगा, ये तो मैंने 1000 तक ही लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ जितने नंबर आप अपने माइंड में बिठाओगे उतनी दूर तक आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये हमें अपने माइंड को यूज़ करना ही पड़ेगा, माइंड में नंबर बिठाने ही पड़ेंगे। अब मेरे को ये पता होना चाहिए कहाँ आएगा, किसके बीच में आएगा, तो 15 तक मैंने वैसे ही आपको याद करने को बोला हुआ है कि 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744 और 15 का क्यूब होता है 3375। तो कहाँ आएगा ये नंबर, 14 और 15 के बीच में, और मैं कौन सा लिखता हूँ, छोटे वाला, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 14, तो ये है मेरा आंसर 144। ठीक है, अब हमको एग्जाम क्लियर करना है तो इतना कष्ट तो करना ही पड़ेगा कि हमको कम से कम 15 तक तो क्यूब याद करने ही पड़ेंगे। आप 20 तक करोगे आप 200 तक निकाल लोगे, आप 25 तक करोगे आप 250 तक निकाल लोगे, जितना याद रखोगे उतनी दूर तक आप जा सकते हो इस मेथड से, क्यूब रूट निकालना हो चाहे आपको स्क्वायर रूट निकालना हो। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का मेथड क्या है, और हम प्रैक्टिस करना इसको ऑरली ही निकालना, पेन मत यूज करना है इसके लिए, और ये 1 से लेके 10 तक जो आपने नंबर लिखे हैं एक बार लिखना, समझना, उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये नंबर मिटा देना, माइंड में सोचना 4 किसके एंड में आता है, ये सब चीज़ें माइंड में ही चलनी चाहिए, लिखना नहीं है हमको। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि आप ऐसे ही रैंडमली, हो सकता है कोई भी नंबर ले लो, इस तरीके से आपने नंबर ले लिया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने चेक किया एंड में 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 के आता है, लास्ट में 2 छोड़ दिए मैंने,
30 जो है किसके स्क्वायर के पास आता है, 5 के स्क्वायर के पास, तो मेरा हो गया 5। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेटर में चेक करोगे कि 55 × 55 तो ये मेरा होता है 3025। अगर मैं 55 का स्क्वायर करूं, अब आप सोचोगे यार तो मेथड ही गलत बता दिया मेरे को कि 3075, अगर मैं इस मेथड से चलूं तो 55 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे चेक करूं तो मेरा 3025 आता है। तो ऐसा क्यों है? ये मेथड आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट उसी का बताएगा जो एकदम परफेक्ट है, जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब है ये उनके लिए मेथड है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं 16 किसका स्क्वायर है तो आप बताओगे 4, अगर मैं बताऊं 17 किसका स्क्वायर है तो ये तो किसी का भी नहीं है, तो ये उसके लिए बताता है जो परफेक्ट है। मीन 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 17 किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, ये आपको इतना बता सकता है कि ये 17 जो है ये 4 के अराउंड आएगा, 4 के आसपास आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये मत सोचना कि सर ने आपको मेथड गलत बता दिया है, मेथड गलत नहीं है, ये उसके लिए है जो परफेक्ट बताएगा। बाकी आप नियरेस्ट पहुंच सकते हो कि इसकी वैल्यू 55 के आसपास ही आने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही था, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये हमने आज हमारा खत्म कर लिया है, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज, तब के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।